तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव आज बीकानेर से गंगा शहर पधारे हैं। इधर मूलचंद जी बोथरा का फार्म हाउस और ये हंसा रिसोर्ट, हंसराज जी डागा का ये स्थान, ये तो एक सामयिक बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि मौसम थोड़ा खराब हो गया है। मौसम खराब नहीं, मौसम अच्छा हो गया है। हमें भी अच्छा बनना है। आज नाम से हंस है, परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से हम भी हंस वृत्ति को ग्रहण करें और उसके द्वारा कर्म को अलग कर दें और मोक्ष को अलग कर दें। जिस दिन गुरुदेव की अमृत वाणी से हम ये कला सीख लेंगे, तब हम भी दूध को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, पानी को छोड़ देंगे, कर्मों को छोड़ देंगे। इसीलिए हमको सुनना है परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना। जुड़ें परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ। पन्नगे च सुरेन्द्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, च इत्ता भार हम वासम चक्कवट्टी महिद्धि ओ संती संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। हमारे जीवन में शांति का बहुत महत्व है। आदमी शांति से सुख से जीना चाहता है, अशांति आदमी को प्रिय नहीं होती है। आदमी के पास बहुत संपत्ति है, पैसा है, परंतु शांति नहीं है तो पैसा हो जाने पर भी जीवन में एक बड़ी कमी की बात रह सकती है। और शांति ऐसा तत्व है कि वो कोई पैसे से प्रतिबद्ध नहीं है। पैसे से सुविधाएं मिल सकती हैं, बढ़िया मकान प्राप्त हो जाए, बढ़िया कार, एसी की व्यवस्था, अनुकूल सुविधाएं, सुख सुविधाएं, भौतिक अनुकूलताएं पैसे से प्राप्त हो सकती हैं। परंतु शांति, कि पैसा ज्यादा है तो शांति ज्यादा रहेगी, यह कहना कठिन है। सुविधा तो संसाधनों से, पैसों से मिल सकती है, संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, पर शांति साधना से मिलती है। और साधना बिना पैसे वाला आदमी भी कर सकता है, तो साधना ही शांति का आधार है। शांति का आधार साधना है। राग द्वेष कितने पतले पड़े हैं, गुस्सा अहंकार माया लोभ ये कितने प्रतनु हुए हैं, इससे शांति का संबंध है। आचार्य जी के दर्शन करने के लिए एक राजा आ गया तो दर्शन किए और फिर कुछ वार्तालाप शुरू हो गया। तो राजा बोला, आचार्य जी मैं इस कैंपस में आया हूँ और
अनेक आपके साधु भी इधर उधर बैठे थे, कोई कहीं आ जा रहे थे, छोटे भी थे, युवा भी थे, वृद्ध भी थे। मैंने उन साधुओं को देखा तो मेरा आकलन रहा कि साधु लोग बड़े प्रसन्न हैं, बहुत सौम्य प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, ऐसा उनके चेहरों से अनुमान हुआ मुझे। खैर आपकी तो बात ही क्या करूं मैं, आपके बारे में तो बोलना ही एक दुष्टता सी हो जाएगी। आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पर आपके शिष्य भी बड़े प्रशांत मना प्रसन्न मना दिखाई दिए। तो आचार्य जी, मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया और वो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए थोड़ा मुझे एकांत स्थान चाहिए। तो आचार्य जी ने भी अपने कुछ साधुओं को दूर कर दिया, राजा ने अपने साथ वाले कुछ सेवकों आदि को दूर कर दिया, दो ही दो रहे आचार्य जी और राजा। कक्ष में दोनों बैठे थे, आचार्य जी ने इशारा किया कि प्रश्न क्या है आपका। तो राजा बोला कि आचार्य जी, मेरे कुछ परिवार की भी बात है, मैंने आपके साधुओं को देखा, बड़े बड़े प्रसन्न दिखाई दिए, शांति में दिखाई दिए, और मुझे ये भी जानकारी मिल गई थी कि आप लोग, आपके साधु तो कठोर जीवन जीने वाले हैं, पैदल यात्रा, गर्मी में भी रात को पानी भी नहीं पीना, और भी कई बातें अहिंसा की आदि की मुझे जानकारी में प्राप्त हुई। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि इतना कठोर जीने वाले ये लोग, साधु लोग कितने प्रसन्न हैं। अब प्रश्न पैदा यह हुआ कि मेरे तीन राजकुमार हैं, यह मेरी व्यक्तिगत बात आ रही है आचार्य जी, परिवार की बात है। तीनों राजकुमारों को मैंने जितनी सुविधाएं सुलभ हैं प्राप्त, सब सुविधाएं दे रखी है, कोई कमी नहीं है। तीनों की अपने अपने अलग बढ़िया मकान हैं, जो भी सुविधाएं हैं सब दे रखी है, जितनी हमारे राज्य में है सब दे दी, कोई कमी नहीं रखी मैंने। परंतु उनको मैं देखता हूं, उनके चेहरों पर यह प्रसन्नता दिखाई नहीं देती है जो आपके साधुओं के चेहरों पर है। तो मेरे मन में आता है कि भी इतना कठोर जीवन जीने वाले ये साधु इतने प्रसन्न हैं, और मेरे राजकुमार इतनी सुविधाओं को भोगने वाले, वो इतने प्रसन्न दिखाई नहीं देते, इसका कारण क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप ज्ञानी पुरुष हैं तो इसका समाधान आप देने की कृपा करें। आचार्य जी ने कहा, राजन, यह प्रसन्नता और शांति का सुविधा से ज़्यादा संबंध नहीं है। मेरे साधु हैं, शिष्य हैं, भिक्षु हैं, ये वर्तमान में जीने वाले हैं, संतोष का जीवन जीने वाले हैं, कठोरता को इन्होंने आत्मसात कर लिया है, आराम से पैदल चलते हैं, रात को कोई पानी की बात नहीं होती है, प्यास लगती है तो भी पानी नहीं पीते हैं, यह नियम है इनका। और भी कई कठोरता की बातें हैं, धरती पर नीचे सो जाते हैं, परंतु साधना है, संतोष है, समता है, त्याग है, ये त्याग है वहां शांति है। त्यागात शांति रवाक्यते, त्याग से शांति प्राप्त हो जाती है। आपके जो राजकुमार हैं उनमें वो संयम त्याग वाली बात नहीं है, उनमें संतोष नहीं है। राजन, मुझे भी जानकारी है, आपसे पूछ भी लूं, आपके राजकुमारों में तो अभी उत्तराधिकार की दौड़ लगी हुई, उत्तराधिकार किसको मिलेगा, इसकी दौड़ में लगे हुए हैं वे, तो एक दूसरे की बुराई भी करते हैं, सब उम्मीदवार हैं उत्तराधिकार पाने के। राजा बोला, महाराज आप ठीक
कह रही हैं अभी तो यही चल रहा है मेरे यहाँ तो उनको शांति मिले कैसे, इतनी लालसा है तो शांति मिलने में बाधा। मेरे भिक्षु हैं आत्मतोष में रहने वाले, लालसा से मुक्त रहने वाले और वर्तमान में जीने वाले, कल क्या मिलेगा भिक्षा में इनको चिंता नहीं है, कल क्या मिलेगा खाने को भिक्षा में इसकी चिंता नहीं करते सामान्यतया, आज जो मिल गया बस उसी में संतुष्ट हैं। वो एक सेठ था, आचार्य जी ने कहा एक सेठ था कि वो बहुत चिंताएं करता, यह करूंगा ये मेरे ये बेटा होगा पोता होगा यह करना फिर यह करना, और वो चिंता की उदड़ बुन में रहता। तो सेठानी थी, उसने सोचा ये सेठ जी इतनी चिंता तनाव में रहते हैं, कुछ इनको शांति से जीना चाहिए, इतनी आगे की चिंता चिंता चिंता, ठीक है चिंतन तो कर लो, चिंता बहुत करते हैं, इनको बोध मिलना चाहिए। तो सेठ जी से कहा कि यहाँ एक आश्रम है बाबाओं का सन्यासियों का, आज आप कुछ अपने घर से भिक्षा टिफिन ले जाओ, बाबा को भिक्षा दो, हमारे घर की ओर से भी कुछ भिक्षा हो जाएगी, बाबाओं को दान हो जाएगा। तो ठीक है, सेठानी ने टिफिन तैयार कर दिया, जो भी रोटी साग मिठाई जो टिफिन बना दिया ये ले जाओ आप। सेठ लेकर गया तो सन्यासियों का जो मुखिया था उनके पास गया कि महाराज जी ये भिक्षा लो आप लोग। तो सन्यासी मुखिया था बोला सेठ साहब अब आज का भोजन तो हो गया, एक बार ही हम खाना खाते हैं, आज का हम सब ने खाना आहार कर लिया है, अब तो नहीं लेंगे। कहा महाराज जी कल का बादाम आदि मेवा है, कल आगे काम आ जाएगा, आप कुछ तो ले लो, इतनी दूर से लेकर आया हूँ। बाबा बोले कल के लिए हम आज लेंगे, लेते नहीं, हम तो कल की चिंता आज नहीं करते, कल खा लेंगे बादाम मेवा तो आज लेके रख ले, ऐसा नहीं करते, आज जितना लेना था वो ले लिया, कल के लिए संग्रह नहीं करते हम, असंग्रह जीवन है। अब कुछ तो देखो भी हमारा नियम है, भोजन हो गया दोपहर का, अब शाम को खाना खाना नहीं है, अब तो कल ही खाने की बात है, कल की चिंता करते नहीं है, आज खाना सो खा लिया, कुछ तो नहीं, हम कुछ भी नहीं ले सकते। सेठ वापिस आ गया, टिफिन जैसा का तैसा, और बोला सेठानी से कि वो तो लेते नहीं है, खाना खा लिया आज का तो कल के लिए लेते नहीं। तब सेठानी बोली कहाँ तो वे बाबा लोग कल की भी चिंता नहीं करते, आप तो कितने काल की चिंता करने कर रहे हो, क्यों इतना दिमाग में बोझ रखते हो। अब सेठ को लगा रहे मुझे बोध देने के लिए भेजा था कि इतनी चिंता क्यों करते हो। तो साधु जिसको चिंता न हो, फिक्र नहीं, तनाव नहीं, कल की भी चिंता नहीं, कल की चिंता करे ने मुनिवर ओ सुख दुख रो लेखो, सात सात पीढ़ारी चिंता घर गृहस्थ रे देखो, सात सात कलरी चिंता करन मुनिवर, कलरी चिंता करन मुनिवर ओ सुख दुख रो लेखो रे, समतारा सागर संत सुखी संसार में निज आत्म उजागर, संत सुखी संसार। तो शांति के लिए त्याग संयम जीवन में होता है तो शांति अच्छी रह सकती है, आत्मा भी
निर्मल रह सकती है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, खैर साधुओं की बात तो बहुत ऊंची हो सकती है, परिवार को छोड़ दिया, परिग्रह को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया और भी बहुत कुछ त्याग कर दिया, ऐसे संतों की बराबरी मान लो आपने भी कर सके, गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी इच्छा परिमाण, श्रावक के 12 व्रतों में पांचवां व्रत है इच्छा परिमाण, सातवां व्रत है भोगोपभोग उपभोग परिभोग परिमाण, परिमाण करें इच्छाओं की सीमा, ज्यादा इच्छाएं असीम लालसाएं नहीं, बस इतना मिल गया अब बस संतोष है। तो संतोष धारण करते हैं तो शांति मिलती है, संतोष नहीं लालसा, आगे से आगे लालसा, इतना मिल गया तो इतना और चाहिए। यह संतोष, भय, गुस्सा, चिंता, ये ऐसे तत्व हैं जो आदमी की शांति में बाधक बनते हैं। अब भय लगता है तो भी अशांति हो सकती है, गुस्सा ज़्यादा आता है तो अशांति हो सकती है, और चिंताएं ज़्यादा रहती है मन में तो अशांति हो सकती है, लालसाएं इच्छाएं कामनाएं बहुत है, कामनाएं पूरी सारी न भी हों तो अशांति दुख हो सकता है। तो इन चीज़ों को आदमी कम करे, ज़्यादा लालसा नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं, हो सके तो अभय की भी साधना हो जाए तो फिर अच्छी शांति रह सकती है। शांति से भी शायद बड़ी बात है, आत्मा निर्मल रहती है, मोक्ष की दिशा में आदमी आगे बढ़ सकता है। और आदमी के भीतर जो भाव हैं कई बार बाहर प्रकट हो जाते हैं, भय चिंता आलस अमन सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कह दे, कि भीतर में भय है तो कई बार चेहरे पर उसका असर के आदमी डरू फरूसा लग रहा है, चिंताएं बहुत हैं आदमी की मुद्रा देख लगता है अभी चिंता में लगा हुआ है, आलस्य की स्थिति है, मन में बेचैनी है, तो ये भीतर के भाव आंख या चेहरे पर प्रकट हो सकते हैं। मन में जो भाव हैं, मन को राजा मान लें तो आंख रूपी दीवान मन के भावों को प्रकट कई बार कर देता है। तो योग ध्यान अध्यात्म ये ऐसे तत्व हैं जीवन में, त्याग संयम योग अध्यात्म जीवन में हो तो चेतना की निर्मलता रह सकती है, भाव शुद्ध हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, अनुव्रत एक संयम की साधना का उपक्रम, संयम यानी संकल्प साधना संयम का उपक्रम है। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, तो प्रेक्षा ध्यान एक अध्यात्म की साधना का प्रयोग है। तो यों ये त्याग संयम अध्यात्म ये चीज़ें आप गृहस्थों के जीवन में भी रहे तो जीवन अच्छा हो सकता है। योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस, तो योग का अपना महत्व है, ये आसन प्राणायाम ये भी योग के अंग हैं, और आगे ध्यान की साधना भी योग का बड़ा अंग है, 8 अंग भी आते हैं योग के। तो ये जीवन की शैली के साथ अध्यात्म जुड़ जाए कि थोड़ी देर योग ध्यान कर लें, जप करें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो ज्ञान भी बढ़ सकता है, मन की एकाग्रता रहे और विचारों से कुछ आदमी छुट्टी लेने का प्रयास करे, कायोत्सर्ग करे। प्रेक्षा ध्यान में ये कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास, समवृत्ति श्वास, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान आदि आदि शरीर प्रेक्षा कितने प्रयोग हैं। तो ये अध्यात्म के जो अंग हैं, साधना के सूत्र हैं, संयम की साधना है, त्याग है, तो वहाँ शांति का दरिया तरंगित हो सकता है और शांति के दरिये में आदमी बह सकता है, प्रवाहित हो सकता है,
शांति का सागर भीतर में हिलोरे ले सकता है आश्रय। तो संत लोग जो स्वयं साधना करने वाले हों, तो उन संतों की वाणी भी सुनने को मिले तो उससे भी कई बार ऐसी प्रेरणा मिल सकती है, ऐसा मार्ग प्राप्त हो सकता है कि आदमी के जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। और संत जो त्यागी हैं, फकीर हैं, फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर, कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, तो ऐसे संत हैं त्याग मूर्ति, क्षमा मूर्ति, दया मूर्ति, समता मूर्ति, जो संत होते हैं ऐसे संतों का समागमन होना भी अच्छी बात है, उनका प्रवचन होना, वाणी सुनना ऐसे संतों की, वो भी अपने आप में अच्छी बात होती है। तो गृहस्थ जीवन में भी त्याग का जितना प्रयोग संभव हो सके वो करना चाहिए, और दिनचर्या में कुछ समय साधना में भी लगाने का प्रयास होना चाहिए। भारत में कितने संत लोग हुए हैं, अतीत में भी कितने महर्षि ऋषि हुए हैं, यह मानो कि भारत की भूमि का भाग्य है कि संतों की भूमि रही है, संत लोग यहाँ होते रहे हैं। तो आज भी भारत की धरती पर संत लोग, साधक लोग हैं, अपने अपने ढंग से कार्य करने वाले हैं। तो संत भारत के पास हैं, ग्रंथ भी बहुत हैं भारत के पास, कितने प्राचीन ग्रंथ भी हैं, संस्कृत में एक, प्राकृत में एक, आदि आदि अनेक ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, और पंथ भी अनेक हैं भारत, कितने धार्मिक पंथ हैं, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सनातन, सिख, ईसाई आदि आदि पंथ भी हैं। तो ठीक है, इतने पंथ हैं और इतने ग्रंथ हैं और इतने संत हैं, और क्या चाहिए भारत को, अब कितनी संपदाएं हैं। तो ठीक है, भौतिकता भी चाहिए, जहां राष्ट्र है तो कोरा अध्यात्म का हम नहीं आता, वहां भौतिकता भी चाहिए, राष्ट्र को भौतिक विकास भी चाहिए, कि भौतिक सुविधाएं जनता को, तो भौतिक विकास भी चाहिए, आदमी को मकान भी चाहिए, आदमी को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए, तो भौतिक विकास भी राष्ट्र को चाहिए, और भौतिक विकास के लिए आर्थिक विकास भी देश को चाहिए। तो ये विकास कोई ठीक है, बुरी बात नहीं है, पर इतने तक सीमित नहीं, देश में नैतिकता का विकास भी हो रहे, देश में आध्यात्मिकता का विकास भी हो, और देश में शिक्षा का विकास भी हो, ये पांचों विकास होते हैं, भौतिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, पांचों विकास राष्ट्र में होते हैं तो वो राष्ट्र एक अच्छा विकसित राष्ट्र हो सकता है। भौतिकता के आधार पर, आर्थिकता के आधार पर भी विकसित किसी को कहा जा सकता है, पर वो विकसित होना भी अधूरा विकसित होना हो सकेगा अगर आध्यात्मिकता का विकास नहीं है, नैतिकता का विकास नहीं है, शिक्षा का विकास नहीं है, तो कुछ कमी की बात हो सकती है। तो भारत में भौतिकता, आर्थिक विकास, ये चीज़ें भी मान लो अपेक्षित है, तो ये हमारी अध्यात्म की संपदा है। अध्यात्म तो भारत का सब कोई मानो, सबके लिए कल्याणकारी है, कोई कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, तो आध्यात्मिकता शांति का बड़ा आधार है। तो ये शांति प्राप्त करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं, उसके लिए साधना की अपेक्षा होती है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरं लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। आज यहाँ हंसा रिसोर्ट है,
हंसराज जी डागा का। हाँ अच्छा है, ऐसे तो साधना का भी अनुकूल स्थान है, कोई साधना करे यहाँ पर तो अच्छा स्थान ही है, हरियाली भी है, थोड़ा एकांत भी है, कोई ध्यान योग करना चाहे तो अच्छा आनुकूल्य रह सकता है। पर आज यहाँ आना हुआ है तो हंसराज जी डागा भी खूब अच्छी सेवा धार्मिक आध्यात्मिक करते रहे, अच्छा संयम साधना का जीवन, परिवार में खूब धार्मिक संस्कार पुष्ट रहे, अच्छा है। शांति प्रतिष्ठान से भी जुड़े हुए हैं, महावीर जी अध्यक्ष है, रामकारी मंत्री, तो वहाँ भी आध्यात्मिक धार्मिक खूब अच्छा शांति प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, और गुरुदेव ने आज शांति का संबोध दिया है। और अब गुरुदेव के स्वागत में सबसे पहले हंसराज जी डागा स्वयं अपने भावों की प्रस्तुति यहाँ करने जा रहे हैं। हंसराज जी डागा। महायोगी महातपस्वी गुरुदेव के चरणों में मेरी भक्ति भरी वंदना, महावीर मुनि मुख्य मुनि के चरणों में मेरी वंदना, यहाँ पधारे सभी चरित्रात्माओं के चरणों में मेरी वंदना। आज हमारे बीच में बीकानेर न्यायपालिका से जुड़े हुए श्री राजेश जी, आभा जी, श्वेता जी और मनोज जी भी उपस्थित है। आप यहाँ बीकानेर न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, यहाँ जज पद पर आसीन हैं, और चूंकि हम एक कैंपस में रहते हैं तो एक परिवार के हिसाब से मैं हमारे बीच में आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ हंसा परिवार की तरफ से। जितने श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हुए हैं आप सभी का हंसा परिवार की तरफ से स्वागत है। गुरु नानक ने गुरु और शिष्य के बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही है, जित बिखरावे तित ही बैठूं, जोई जोई पहनावे वो ही पहनूं, तेरी मेरी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा परमेश्वर ओरन दूजा, गुरु मेरी पूजा। परम पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करके आज इस परिसर, इस उपवन को उपवन से नंदनवन बना दिया। हे प्रभु, मेरे पास शब्दों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने भावों को अभिव्यक्ति दे सकूं। आपका पधारना हमारे लिए रोम रोम को उल्लासित कर देने वाला है। यह संग मुझे गर्व होता है कि तेरा पंथ धर्म संग मुझे मिला है। शांति निकेतन में बचपन में रामायण की पाठ सुनते सुनते कब संग मन में रच बस गया, और मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन का सफ़र इसी संघ के साथ शुरू हुआ है, और जो मेरा विकास हुआ है वह सभी इस संघ की देन है। हमेशा आचार्यों की कृपा रही है, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मैंने इस संघ के अंदर जो अपनी सेवाओं मिल का और दायित्व का मुझे अवसर मिला, मैं उस संघ के प्रति अपने आप को ऋणी महसूस करता हूँ। मुझे याद है भगवान 2014 गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर ग्राम कोटड़ा, और 2014 का इतने बड़े आयोजन का दायित्व, गुरुदेव की 100वीं जन्म जयंती महासभा का 100वां वार्षिक अधिवेशन और तेरापन धर्म संघ का 150वां मर्यादा महोत्सव, एक बहुत बड़ी, शायद तेरापन धर्म संघ में वो सबसे बड़ा आयोजन था जिसमें 600-700 साधु समणी वृंद एक साथ इकट्ठे हुए थे। मैं एकमात्र साधारण कार्यकर्ता, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरु ने कब मुझे मोल लिया, कब तोल लिया, और ग्राम कोटड़ा में कहा कि मैं इस मर्यादा महोत्सव के संयोजन का दायित्व प्रदान करता हूँ। भगवान मेरे में कहाँ शक्ति थी,
मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, लेकिन आपने जो ऊर्जा प्रदान की और जो शक्ति प्रदान की मुझे, संघ की सेवा का जो अवसर दिया, जो दायित्व का अवसर निभाने का अवसर दिया, मैं आपके चरणों में सत सत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस मर्यादा महोत्सव में, इस गुरुदेव के महापरिणाम के दिवस के उपलक्ष में, आपने जो यहाँ पधार कर गंगा सर बीकानेर और शांति प्रतिष्ठान में पधार कर जो हम लोगों की भावनाओं को पोषित किया, हम लोग कभी नहीं भूल जाएंगे पाएंगे भगवान। आज आपका पधारना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव ने हंसा रिसोर्ट पधारना फरमाया है, लेकिन बहुत गर्मी है, कहीं संतों को असुविधा न हो। मैं बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना करता था, शायद प्रार्थना कुछ ज़्यादा हो गई और कृपा ज़्यादा ही बरस गई, लेकिन भगवान आपका पधारना हुआ और सारे संत कर रहे हैं, नहीं कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है, यह सब आप लोगों की कृपा है। या कोई भी असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान आपकी कृपा के लिए बार बार आपके चरणों में सत सत वंदन अभिनंदन। कई बार प्रकृति का योग होता है और भक्त की भावना होती है, तो वो तो ये सोच लेता है, हे मेघ तू इतना मत बरस कि मेरे प्रभु मेरे घर आ न सके, और आने के बाद इतना बरस कि मेरे प्रभु मेरे घर से जा न सके। ऐसा कई बार योग होता है। और गुरुदेव जब वहाँ एमपी में पधारे थे 2014 में ही, वहाँ दिल्ली से बिहार करके फिर एमपी में पधारे थे ग्वालियर आदि, तो वहाँ बीच में एक अरविंद जी मिश्रा, उनका वो शिक्षा संस्थान था, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव का यहाँ कल कल और प्रवचन कैसे हो सकता है। हमने कहा भाई ये तो यात्रा पथ बना हुआ है, एक एक दिन का ही पड़ाव होता है। बोला नहीं, हमारे यहाँ तो कल का भी प्रवचन होना चाहिए। मैं ऐसे तो होता नहीं है, कोई धमर आ गई, कोई ओस के कण गिर गए तो अलग बात है। बोले मैं तो फिर एक काम करूँगा, मैं जब गुरुदेव बिहार करेंगे ना तो मैं बाल्टी के बाल्टी पानी गिरा दूंगा, फिर गुरुदेव जा नहीं सके। ये तो उनकी भावना। और योग ऐसा बना कि दूसरे दिन धमर आ गई और गुरुदेव का प्रवचन भी वहीं हुआ। तो ऐसे लोगों की भावना कई बार फलित हो जाती है। तो आज सुहावना मौसम है और दागा इस रिसोर्ट में रजनी नाहटा आज के अवसर पर अपने परिवार में स्वर मिला रही है, और फिर शारदा जी डागा थे। संत हमारी आत्मा और हम संतन की देन, रोम रोम में रम रया प्रभु जू बादल बिच में, प्रभु जू बादल बिच में। भंते मन हर्षित है, प्रफुल्लित है, यूं लग रहा है मानो हंसा परिसर में सोने का सूरज उगा है। प्रभु आज आप अपनी धवल सेना संग हमारे आंगन पधारे हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, कोटिश वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। तेरापन धर्म संग में गुरु ही प्राण है, गुरु ही त्राण है, और इस भव्य इमारत के चार मजबूत स्तंभ हैं जो गुरु रूपी नींव से हमें सदा जोड़े रखते हैं। तो पहला स्तंभ है हमारा गुरु आज्ञा, और हम मानते हैं गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही कहे कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही कबीरा, तीन लोक भय नाही। दूसरा स्तंभ है अनुशासन, गुरु कुम्हार शिव कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोर, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट।
तीसरा स्तंभ है इंगित आराधना। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीय भेद कुछ नाही, उन्हीं को प्रणाम करूं, सफल तिमिर मिट जाए कबीरा, सकल तिमिर मिट जाए। और चौथा और सबसे मजबूत स्तंभ है तेरा समर्पण श्रद्धा। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरुवर, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ही तारणहार है, आप ही खेवैया है, आप ही वो जादूगर है जो काक को हंसा बना देते हैं। कबीर गुरु के देश में बसिए जाने जो कोई, कागते हंस बने जाति वरण कुल हो खोए, कबीरा जाति वरण कुल खोए। ओ मारा शारदा जी धागा, फिर धर्मेंद्र डाक लिया। बंते देव पधार्या आंगणे, हिवड़े हर्ष अपार, श्रद्धा सों झुक झुक करा, गुरुवर कोटि प्रणाम, गुरुवर कोटि प्रणाम, गुरुवर कोटि प्रणाम। आज गुरारा मारे हुया रे पगलिया, मनवांछित अरमान फलिया, खिलगी मनरी करिया, मारे हुया रे पगलिया, आज गुरारा मारे हुया रे पगलिया। बरसा बरसरी प्यास ही गुरुवर अमृत पान करिया बुझसी, बरसा बरसरी प्यास है गुरुवर अमृत पान करा मुझसी, पलक बिछाया कद का बैठा मनरी आस आज फलगी, हो गुरुवर माना आभार सुनरा फूल खिल गया, मारे हुया रे पगली स्वरूप आप रोजी कारो मन ने भावे, ए पलक दृष्टि निहारा दिल भक्ति भाव स्यू भर जावे, हो गुरुवर
इसी आपरी माँ पर सदा बनी रेवे, कृपा दृष्टि बस इसी आपरी माँ पर सदा बनी रेवे, युगा युगा तक मोहनी मूरत निश्चिंता देती रेवे, हो गुरुवार संग रे आमान स्यों आभारी बन गया मारे भूया रे पगलिया, हो गुरुवार संग रे समान स्यों आभारी बन गया मारे भूया रे पगलिया, आज गुरारा मारे हुया रे पगलिया, मनवांछित अरमान फलिया खिलगी मनरी कलिया, मारे हुया रे पगलिया आज जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, धर्मेंद्र जी दापलिया। अनंत आस्था के केंद्र परम आराध्य मन मंदिर के राम भगवान आचार्य श्री महाप्रमण जी के पावन सुचरणों में भाव भरी वंदना। आप पधार्या आंगणे इवड़े हर्ष अपार, झुक झुक में वंदन करां आप करो स्वीकार। भगवान आज मन प्रफुल्लित है, जैसा कल आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान से सुबह आपने बोथरा फार्म हाउस के लिए प्रस्थान किया, तो जो ये 10-15 दिन में पूरा हमारा बीकानेर चोखड़ा बीकानेर शहर महाश्रमण में हो गया था, आपको जब वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे तो विदाई में कुछ ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव नहीं पधारे थे, तब तब कितना एक उत्साह सा, महीनों महीनों से सैकड़ों सैकड़ों कार्यकर्ताओं की टीम आपके स्वागत आपके अभिनंदन के लिए। लेकिन भगवान जैसा कि आपने परसों गुरुदेव की तीज के दिन आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान के उस मंच से जब ये उल्लेख किया कि हालांकि हमारा यहाँ आना तो नहीं था, लेकिन आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान की टीम ने अपनी मेहनत में अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी और आखिर हमको आज के दिन यहाँ बुला ही लिया। गुरुदेव जब आपने श्रीमुख से ये शब्द फरमाए तो हम जितने भी कार्यकर्ता पूरा हमारा चोखला हमारी सारी थकान दूर हो गई कि हमारे आराध्य ने हमारी बात रखकर भीलवाड़ा से जो हम एक श्रम कर रहे थे कोशिश कर रहे थे, भगवान आज जब आप इस अंसा रिसोर्ट में पधारे हैं तो हम इस अंसा परिवार से अंसा रिसोर्ट से आपके स्वागत में केवल हम इतने सैकड़ों लोग ही नहीं, पूरी प्रकृति प्रसन्न हो रही है। चारों तरफ आप देखिए वातावरण, जो कल परसों तक एक गर्मी का वातावरण था, आज एक प्रकृति ने एक ऐसी छटा बिखेर दी है, सतरंगी इंद्रधनुष बिखेर दिया है कि सब अपने आप में प्रसन्न है। भगवान हम यही प्रार्थना करते हैं, यही मंगल कामना करते हैं, आपका शरीर आपका स्वास्थ्य पूरे संघ की संपत्ति है, आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें, आपके तनुरत्न में पूर्ण साता रहे और आप कोट दिवाली राज करें और जन जन में कल्याण की भावना करते रहें। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। एक छोटी सी बात बता रहे हैं, वो सन 2022 के छापर चतुर्मास के बाद वैसे बॉम्बे की ओर प्रस्थान करने का विचार है,
तो बॉम्बे जाने से पहले और बाईतू से भी पहले की बात है, 19/6/2022 2022 के, तुम लोग सुन लो, तुम लोग संत सुन लो, संत लोग सुन लो, लोग भी हैं, है ना, 2022 के छापर चतुर्मास के बाद बाईतू जाने से पूर्व आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान सिरियारी में जाने का भाव है और वहाँ बाबा भिक्षु का ध्यान जो भी हो। आज गुरुदेव ने बहुत बड़ी कृपा कराई, संतों को फरमाया है, आचार्य भिक्षु भी कई बार संतों को प्रवचन फरमाते थे और आज महाश्रवण ने भी संतों को फरमाया है सिरियारी जाने का भाव। अब सुने मंगल था। अच्छा वो तो सकले और संतों को तो ऐसा भी मान लो कि हमारे हमें ले जाने वाले संत लोग ही हैं, तो संतों को खास कर हम सबको गुरुदेव ले जाने वाले हैं। अब सब खड़े खड़े मंगल पाठ सुनेंगे। यहाँ मंगलाराम जी पूर्व विधायक श्री डूंगरगढ़ गोदारा जी डूंगरगढ़ से पूर्व विधायक। अच्छा और जैसा का न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग भी हैं, न्यायपालिका से मनोज जी बोल, कोई बोलना चाहेगा दिनेश, कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, न्यायपालिका में भी खूब अच्छे मोरल वैल्यूज, अच्छा खूब क्रम मोरल वैल्यूज बने रहे अपने, नैतिकता अहिंसा का सब अच्छा। और अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।